उर्फी जावेद लड़की नहीं है, वो किन्नर है। किन्नर है, एक लड़की है ही नहीं। आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि उर्फी एक लड़की नहीं है, उर्फी किन्नर है, और ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ वो किन्नर समाज से जुड़ जाएं। तो अभी ये चीज़ हाईकोर्ट में मैं साबित करने वाला हूँ, कुछ सबूत लेके आ रहा हूँ, कुछ गवाह लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मंडे को मेरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ मीटिंग भी है, जो किन्नर समाज की हेड है। तो वो चीज़ आज मैं साबित करूंगा सबके सामने कि वो एक किन्नर है, उर्फी जावेद एक लड़की नहीं है। जिस तरह वो गंदा माहौल कर रही है, तो वो एक किन्नर ही कर सकता है जो वो कर रही है। कुछ ऐसे प्रूफ मेरे हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से जो मेरे लॉयर ने कहा है कि वो हम सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। अभी उर्फी की ऑलरेडी पेशी होने वाली है कोर्ट के अंदर। सो एक से कुछ प्रूफ आ गया मेरे लॉयर के हाथ में, तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने साबित करूंगा। जिसकी वजह से आज मैं एक ये छोटा सा ये भी लेके आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं। सो मैंने मेंशन किया है कि उर्फी जावेद एक किन्नर है जी। लेकिन मुस्लिम होके कुछ इस तरह जो नाम खराब कर रहे हैं, ऐसे तो आई थिंक बहुत बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह से मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश भी करी, बट उन्होंने क्लियर कह दिया उर्फी जावेद ने कि मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, जो मुझे करना है मैं वो करूंगी। तो फिर मैंने ठान ली कि जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। तो अब इसलिए मैं हाईकोर्ट तक पहुंच गए हूँ। देखिए वहाँ पे उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप हज या उमरे पे जाते हैं, जो लोग उनके बारे में पता करेंगे कि कहीं पे वीडियो बना सकते हैं आप, कहीं पे वीडियो नहीं बना सकते। तो उसके दायरे में रहकर अगर वो कुछ कर रही है तो उसमें प्रॉब्लम है नहीं, नहीं तो वहाँ के कानूनी वहाँ के लॉज इतने स्ट्रांग है कि आपको कोई ऐसा अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो वो जो कर रही है वो एक हद में रहकर कर रही है। आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि उर्फी एक लड़की नहीं है, उर्फी एक किन्नर है, और ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ वो किन्नर समाज से जुड़ जाएं और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंडर आ जाएं, उनके ग्रुप में आ जाएं, ताकि ये सब माहौल ठीक हो जाए, देश का माहौल ठीक हो जाए, मुंबई का माहौल ठीक हो जाए, और जो लोग उनको पहचानते नहीं उनको पता लग जाए कि उर्फी जावेद कौन है। खुद से पहचान देखिए, उन्होंने किस तरह से अपनी पहचान बनाई, लोग जानते हैं। उनके किसी भी कमेंट पर अगर आप मैसेज देखेंगे तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ नेशनल चैनल पर, अभी ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं। तो लोग जानते हैं वो कौन है, और उनकी अगर आप उनसे अच्छे से देर तक आप बात तो करती हैं उनसे, आप उनकी बातें सुनेंगी, उनकी वे ऑफ टॉकिंग आप देखेंगे, उनके अगर उनके बारे में वो ज़्यादा जानेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है ही नहीं। मंडे को बस मेरी मीटिंग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है, आप जानती हैं शायद उन्हें कि वो किन्नर समाज की हेड है, और उनसे मेरी उस बारे में पूरी चर्चा होने वाली है। मेरी टीम उनसे अप्रोच कर चुकी है, मंडे को 11 बजे उनसे मेरी मीटिंग है, उर्फी के बारे में ही मीटिंग है, कि जितने जल्दी हो सके उर्फी अपने आप को उनको सौंप दे तो उसको उर्फी के लिए अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उर्फी जावेद तो समझने वाली है नहीं, और अब जो उनके बारे में मुझे पता लगा है तो मैं उनके लिए सारे प्रूफ इकट्ठा करता रहूंगा, और उनको ऐसे छोड़ूंगा नहीं आसानी से जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आएंगे। और अभी तो उनके बारे में इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि उर्फी जावेद एक लड़की है ही नहीं, जिसको दुनिया उर्फी जावेद को लड़की समझती है। तो आप ये देख सकती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के माध्यम दुनिया इस चीज़ को पहचाने कि उर्फी